Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SYBEF Sam 4th. So today we are going to do MA 5th lesson Working Capital Part 7 Question 6 and Illustration number 18. हम लोग total 11 questions solve करेंगे so that हम लोग को हर एक type का question के बारे में idea मिल जाए. Okay? So let's continue with our question. You are required to prepare a statement showing the working capital required to finance the level of activities of 12,000 units per year from the following information. Okay, so what they have given here, raw material are in stock on an average of 2 months, okay? Materials are in process on an average of half a month, 0.5. Finished goods are for 1 month. Credit allowed to suppliers, that is our creditors, 1.5 month, okay, of raw, purchase of raw material, and credit allowed to the customer, that is our debtors, 2.5 months. 2.5, and here it is 1.5. Lag in payment, that is outstanding of wages and overheads, is 1 month. Cash and bank balance is expected to be 10% of net working capital before considering the cash and bank balance. मतलब क्या कि हम लोग cash and bank balance को consider फिलहाल नहीं करने का है. जो आपका without जो consider किए हुए आपको जो net working capital मिलता है उसका 10% आपको क्या आएगा, कैश इन बैंक. वो हम लोग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी. बाकी हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल्स 10, वेजेस 5 एंड टोटल कॉस्ट इज 30. यहाँ क्या, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर. रॉ मटेरियल हम लोग कितना दिया हुआ है, 10, वेजेस इज 5, ओवरहेड हम लोग को दिया हुआ नहीं है, डायरेक्टली दिया हुआ टोटल कॉस्ट, दैट इज 30, ठीक है. तो हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो इधर हो जाएगा हमारा ओवरहेड कितना हो गया, 15. प्रॉफिट हम लोग क्या बोला है, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस. ऑन के बाद जो भी रहता है उसको हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, 100%. मतलब हमारा ये 100% है, ये हमारा 20 है, सो ये हमारा 80 है, राइट. क्लियर दिस मच. सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर 30 रुपीज हमारा 80% है तो 20% कितना होगा, या फिर 100% कितना होगा. सो 20% आपका होगा 7.5 एंड सेल्स आपका होगा 37.5. ओके, क्लियर. ये हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ. दिस इज अवर वर्किंग कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर WIP. 100% ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज 10. वेजेस का हाफ बोला तो 2.5, एंड ओवर हेड्स का भी हाफ हुआ, दैट इज 7.5, 15 का. सो आपका टोटल हो जाएगा 20. WIP का टोटल कितना हुआ आपका, 20. आपको 12,000 यूनिट्स बोला हुआ है, ठीक है. सो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या, टोटल यूनिट्स कितने, 12,000 इंटू टू बी वैल्यू डेट किस पे, रॉ मटेरियल के प्राइस पे, दैट इज 10. कितना बोला है, रॉ मटेरियल कब तक रखा है, 2 मंथ्स के लिए. तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी. WIP कितना है, 12,000 यूनिट्स इंटू 20. अभी हमने कैलकुलेट किया कितना मंथ, हाफ मंथ बोला था तो 0.5 डिवाइड बाय 12. फिनिश गुड्स का कितना है, पर 12,000 इसको किस पे हम लोग वैल्यू करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, दैट इज 30. कितने मंथ्स के लिए, 1 मंथ. ओके, डेटर्स हमारे कितने मंथ्स के लिए, डेटर्स का भी सेम है 12,000. क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग डायरेक्टली सेल्स पे लेंगे, 37.5. हाउ मच मंथ, 2.5, 2.5 मंथ बोला था. एंड कैश तो हम लोग को इंक्लूड करना ही नहीं है, इसे मैंने कैश वाला लाइन छोड़ा भी नहीं है. ओके, सो हम लोग ने जितना हम लोग नॉर्मली करते सब वैसे ही हम लोग सॉल्व करे. ओके, ठीक है, आ जाते क्रेडिटर साइड पे. यहाँ पे भी 12,000 इंटू टू बी वैल्यू एट 10, रॉ मटेरियल पे वैल्यू करते इंटू 1.5 डिवाइड बाय 12. वेजेस कितने मंथ्स के लिए, 1 मंथ के लिए था. रेट कितना है वेजेस का, 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 12. ओवरहेड का कितना है, 12,000 इंटू 15 इंटू 1 डिवाइड बाय 12. ओके, सो यहाँ तक हम लोग जो नॉर्मल जैसे सॉल्व करते वैसे ही सॉल्व करेंगे. फाइनल अमाउंट निकालते, 12,000 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 कितना होता है,
20,000। स्टॉक ऑफ वर्किंग WIP आपको कितना मिलेगा? 10,000। आपको फिनिश गुड्स कितने मिलेंगे? 30,000। डेटर्स कितना है? 93,750। टोटल का आपको टोटल कितना मिलता है यहाँ पे लिखो, दैट इज 1,53,750। ओके, अब क्रेडिटर्स का करो, इट इज 15,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 5,000। एंड ओवरहेड कितना है? 15,000। 35,000 हो गया ये आपका, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या बोला है, दोनों को कैलकुलेट करोगे तो हम लोग को हमारा क्या नेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज ए प्लस बी मिलेगा। ओके, सो कैलकुलेट करो आपको कितना मिलता है। आपको मिलेगा 1,18,000। सो यर यू कैन सी, मैं कैलकुलेट कर लिया, 10% एक जीरो निकाल देंगे कैश का, हम लोग को मिल गया 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या मिलेगा, हमारा टोटल वर्किंग कैपिटल, राइट। सो यर वी हैव कम्प्लीटेड। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.